अनाउंसमेंट हो सकते हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जरूरी है बाजार के लिए। लेकिन ओवरऑल आशीष जी, एक छोटा सवाल, कौन से सेक्टर पे इस समय नजर है? रेलवे स्टॉक्स एकदम से आज प्रॉफिट बुकिंग में आ गए बजट से पहले, क्या मानते हैं बजट के लिए कौन सा सेक्टर इस समय लाइमलाइट में रहेगा? ये बजट मिक्स सेक्टर्स को अफेक्ट करने वाला है, मतलब जो सेक्टर से अलग अलग तरह के अफेक्ट होंगे। लेकिन मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं देखता हूं, तो मेरा सबसे पहला स्टॉक जिसके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा वो होगा कोलगेट पामोलिव। ये इसने एक चार्ट के ऊपर एक अच्छी तरह से पैटर्न फॉर्म किया है। अगर हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो उसका टारगेट होगा, पहला लक्ष्य होगा 2040 का, जी और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1960 का। चलिए, तो कोलगेट 1960 का ये स्टॉक स्टॉप पे लॉस और 2040 के टारगेट के लिए खरीदारी आपका पहला सौदा है जो आप रिकमेंड कर रहे हैं, जो बजट से पहले आप समझते हैं कि एक्यूमुलेट करें और अच्छी खासी तेजी पकड़ सकता है। और यहाँ पर एफएमसीजी काउंटर्स पे कोलगेट परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको बताएंगे कि आशीष जी की बजट पिक्स क्या है और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो बजट से पहले दौड़ लगा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।